कितने महीने के बाद जा रहे हैं हम लोग वहाँ? I think what 6-7 months. Last we went in Feb. Feb में? Yeah. 7 महीने. Okay guys, so we are in Uber. We are using Uber also after very long. जारी है और हम जो है यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। It's basically a tired face who's not happy about shopping. एक घंटा मेरे लाइफ का वो वापस नहीं आता। दोस्तों, तो हम लोग मॉल से आकर नहा कर थोड़ा खाना खा के थोड़ा रिलैक्स करके मॉल जाके मज़ा तो आया, बट मॉल की वो रौनक इज़ नॉट रियली देयर, देयर हार्डली एनी पीपल अराउंड। बट देन मेरे को चीज़ें खरीदनी थी एंड आई वेंट विद अ बजट ऑफ 2500 और मेरे को उसको किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करना था एंड माई टोटल एक्सपेंस वॉज ओनली 2400। आई बॉट दिस beautiful lamp. This is for $699. There's a quick makeover that is gonna come. So these are all the items I've bought for that makeover. उसके साथ जाने के लिए मैंने ये एक vase भी लिया है. It's a very pretty green. तो मेरे को बहुत ही प्यारा लगा and I was like it worth buying. Can you guess the price for this? This was just for 150 rupees, people. बहुत ही प्यारा वाज है और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश थी। नेक्स्ट आइटम्स आर टू मग्स। ओके, सो दिस बेसिकली सेज बोंजूर विच इज़ अ गुड मॉर्निंग फ्रेंच में और ये हमें बहुत ही प्यारे लगे, बहुत ही प्यारा ब्लू है। हमारे पास येलो कप्स हैं, वाइट कप्स हैं एंड वी जस्ट लव्ड इट, वेटिंग टू हैव टी इन दिस गाइस। नेक्स्ट आता है ये फेक प्लांट। अभी के लिए मैंने ये लिया है बिकॉज इसका मेंटेनेंस लो है और जब भी डस्ट आए या तो आप उसको डस्ट कर दीजिए या पानी से धो दीजिए एंड दे स्टिल लुक ब्यूटिफुल और ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहे हैं, इसलिए मेरी नज़र गई और मैंने लेना चाहा और मैंने ले लिया। सो विद डैट और ये दोस्तों था 190 रुपीज़ का। ये एक ब्लैक नॉर्मल लुकिंग डस्टबिन बट जो काफ़ी डीप है, मेरा एक क्लोज टू एक पूरा हाथ आ जाता है, सो दैट इज़ वेरी नाइस। तो मुझे ये बहुत प्रैक्टिकल लगा और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, इसका प्लास्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई थॉट इट्स वर्थ अ बाय। और ये आया 240 रुपीज़। एक मेकओवर आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया और उस मेकओवर में ये यूज़ होगा। सो ये एक सेट ऑफ हैंगर लिया, इसमें 10 पीसेस हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है और ये 10 पीसेस आए हैं 200 रुपए के, बेसिकली 195 का। को ये चाहिए थे कपड़े सुखाने के लिए, स्पेशली आजकल हम इतने टी शर्ट्स ही पहनते रहते हैं घर पे, इनमें डाल के सुखाने का मज़ा कुछ अलग है क्योंकि उतने न क्रम्पल होते हैं न क्रीज लाइन आता है। क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी लगा इसलिए एक हैंगर सेट ख़रीद लिया। फिर मैंने ख़रीदे ये 3 ऑर्गेनाइजेशन बास्केट्स या ट्रेज। ये बहुत ही यूज़फुल हैं टू ऑर्गेनाइज स्मॉल थिंग्स और ये फिर से मैंने अपने मेकओवर के लिए ख़रीदा है करने के लिए। ये एक बास्केट था 40 रुपीज़ का बट बहुत ही स्टर्डी प्लास्टिक है। ये छोटे ट्रेज बहुत यूज़फुल होते हैं, को किसी डेस्क के ऊपर एक बॉटल और एक ग्लास साथ में रखना है तो ये बहुत कम स्पेस कंज्यूम करते हैं बट एट द सेम टाइम आपका बॉटल और आपका जो ग्लास है सिक्योर होता है क्योंकि इनके साइड्स पे हल्का सा एक एलिवेशन है तो ये
किसी भी चीज़ को फिसलने नहीं देता है एंड दैट्स वाई दिस इज़ वेरी यूजफुल. तो ये मैंने दो खरीदे. मेरा लास्ट आइटम जो ऑनेस्टली मेकओवर के लिए नहीं ज़रूरत था, ये बेसिकली एक नेट का बास्केट है जिसमें आप इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं. तो एक तो ये बहुत स्टर्डी है, दूसरी बात यह है इसमें हैंडल है, तीसरा ये है कि इससे पानी भी यहाँ से निकल सकता है तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, और चौथी बात ये है कि इसमें यहाँ तीन स्टैंड्स भी हैं. तो अगर आपको इसमें कुछ रख के छोड़ना है ताकि पानी अपने आप झड़ते रहे, ये कर सकते हैं. ये ऑटोमेटिकली नीचे टच नहीं होगा, तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा. दिस वॉज माई क्विक हॉल गाइज, एंड बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द कप एंड द बास्केट एवरी थिंग एल्स इज गोइंग टू बी यूज इन द मेक ओवर. एंड वो मेक ओवर का वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी मैं. तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल, खुशी रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू पीपल. Bye-bye.